हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में हमने लर्निंग वीडियो था और बहुत ही अच्छे से हमने बात किया था कि मार्केट अगर आप लाइव में पता करना चाहते हैं कि बिग प्लेयर यानी ये बिग प्लेयर में से आप वहाँ पर FII भी हो सकते हैं, प्रो भी हो सकते हैं, वो कहाँ पर बाई कर रहे हैं और कहाँ पर सेल कर रहे हैं, मार्केट का डेटा कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छी वीडियो को लाइक किया तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं लर्निंग पर्पज़ से कि रियल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, डेटा जो सब लोग आजकल फोकस कर रहा है थोड़े से, तो FII भी बहुत चालाक है, वो आपको बाइंग और सेलिंग दिखाएंगे नेट टू नेट पोजीशन पे, लेकिन वहाँ पे आपको कन्फ्यूज कर देंगे। इस चीज़ों को कैसे कन्फ्यूजन दूर करना है हमने इस वीडियो में बता रखा है, कैसे कन्फ्यूजन दूर करना है। आपको बिल्कुल ही 0% टॉलरेंस से वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल ही 0% कि बड़ा प्लेयर कहाँ पे बाई कर रहा है, कहाँ पे सेल कर रहा है। ये चीज़ें हमने पूरे एकदम सीक्रेट डेटा बता रखा है जो कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप इस चीज़ों को जाके देख सकते हैं। ये वीडियो में इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। बुझे कि नहीं बुझे दोस्तों, अगर आप बुझे तो जरूर जाके देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं कल की डेटा के बारे में, कहाँ पे पोजीशन बना हुआ है। फिन निफ्टी का ट्यूजडे को एक्सपायरी कहाँ होगा, क्योंकि मंडे मार्केट में क्लोजिंग है ड्यू टू महाराष्ट्र वोटिंग, है ना। आज मार्केट ओपन था, अब यहाँ पर मार्केट की अगर आप देखें तो 22,502 के पास क्लोजिंग दिया है। अभी डेटा आपको आज का अपडेट नहीं है, उस डेटा में दम भी नहीं है। रिटेल ट्रेडर के पास 2,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, यानी फ्यूचर में वो क्या किए हैं, बाई करके गए। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तो ये प्रॉफिटेबल होंगे, 100% प्रॉफिटेबल होंगे, आपको लगेगा, लग भी रहा है कि अगर वो बाई करके गए तो प्रॉफिटेबल आपसे ले होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि ये 2,78,000 में से सेल किसने किया है, किसने शॉर्ट किया है। यहाँ पे DIA के पास 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, FII के पास 22,48,847 कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रो के पास 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं कल की वीडियो में जो बताया था कि प्रो शॉर्ट कर रहे हैं, FII शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मेरी आप कल की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाके देखिए। यहाँ आप देखें कि FII शॉर्ट पोजिशन बना रहा है, यहाँ से लॉन्ग क्लोज कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ से लगभग 600 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चला गया। बहुत ज़्यादा नुकसान में होगा FII, वो तो पूरा ही दिवाला ही लग जाएगा उसका, लेकिन कैसे वो टीका कैसे है, क्या मार्केट वो दिखा रहा है शॉर्ट, कहीं और पोजीशन बना रहा है? ऑब्वियसली वो कहीं और पोजीशन बना रहा होगा, कहाँ पोजीशन बनाएगा इसकी हम बात करेंगे अभी। यानी अगर आप सिंपल वे में लेमन टर्म में इस डेटा को देखें, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बुलिश पैसा कमा रहे हैं, ये तीनों यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अब इंडेक्स फ्यूचर में ये 2 वीक्स में FII की कितनी पोजीशन बनी है, तो आप 2 वीक्स में देखें 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इस वीक, 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस वीक, जिसके आपको एवरेज प्राइस 22,251 और 22,200 है, यानी 22,225 के आसपास उनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया लगभग 250 पॉइंट, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तो लॉस को कहाँ मैनेज कर रहे होंगे इसकी हम बात करेंगे। अभी आप याद रखिए कि यहाँ पे लॉस हो रहा है बड़ा प्लेयर का। स्टॉक्स फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश, DI शॉर्ट, FII अपना पोजीशन 9% से कम कर दिया 5%, प्रो यहाँ पे 9% पोजीशन कैरी करके बुलिश है। तो ये एज यूजुअल डेटा है, मेन डेटा यहाँ पे। अब आते हैं ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में देखा जाए रिटेल ट्रेडर के पास 2 लाख पोजीशन क्या है, कॉल की सेलिंग है, सेल यहाँ पे 2 लाख, पुट साइड 6,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे भी पुट की सेलिंग है। यानी अगर फ्रेश पोजीशन देखा जाए कि फ्रेश पोजीशन कहाँ पे बना है, तो ये देखिए फ्रेश पोजीशन है, ये दोनों फ्रेश पोजीशन, यानी 10,90,000 फ्रेश पोजीशन बाई हुई है और यहाँ पे 10,60,000 फ्रेश पोजीशन सेल हुआ है। तो ज़्यादा आज 40,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ है, पहले से भी ये सेल है, यानी ये यहाँ पे बियरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। ROC अगर देखा जाए आज के जेनरेट पोजीशन चेंज हुआ है, अगर पैसा आज जहाँ पे लगा है उसकी हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट वो सेल करके गए। पुट साइड 13,85,000 पुट की बाइंग, फ्रेश बाइंग 12,31,000 फ्रेश सेल, तो कहाँ पे 1,53,000 फ्रेश पुट की बाइंग हुई है। ये भी आपको नेट
रेट ऑफ चेंज अगर ट्यूजडे के लिए डेटा देखा जाए तो ये ट्यूजडे के लिए स्लाइटली बियरिश पोजीशन, ऐसे ओवरऑल ये बुलिश हैं, लेकिन ट्यूजडे का जो फ्रेश नेट टू नेट पोजीशन बना है वो बियरिश का पोजीशन बना है। किसका? रिटेल ट्रेडर का। एफआईआई दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा आपको डेटा यहाँ पर कंफ्यूजन करें, मैं बुलिश भी बोल रहा हूँ बियरिश पर, तो आप दो चार बार मेरी वीडियोज देखिए, आप उस चीज़ों को समझ जाएंगे। जो यहाँ पर रेगुलर फॉलो करते हैं वो क्रिस्टल क्लियर उनका डेटा होता है और यही डेटा आपको काम करता है। चलिए एफआईआई 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है बुलिश, यानी ये बाई किया। अब उसमें से उसने आज क्या पोजीशन बनाई, 1,25,000 कॉल की बाइंग, 1,12,000 सेलिंग। अब ये बाई कहाँ पे है, इनका सेल कहाँ पे है, कल की मैंने वीडियो में कौन से स्ट्राइक प्राइस के आसपास, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पोजीशन इनका नेट टू नेट है, यानी नेट टू नेट 1,32,000 बाई है कॉल। अब नेट देखें तो पुट साइड 3,39,000, 3,99,000 पुट की सेलिंग उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा की। तो ये अगर आप रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, जो फ्रेश पोजीशन आज के लिए बना है, यानी आपको वेडने मंडे ट्यूसडे के लिए, वो बुलिश पोजीशन है। ठीक, यहाँ से एफआईआई का डेटा निकलता है। प्रो की बात करते हैं, अब यहाँ पे प्रो के पास 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग थी कल तक, आज 1,49,000, यानी उन्होंने 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने फ्राइडे की और बाइंग की, 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, सेलिंग 1,17,000 ही कॉन्ट्रैक्ट्स, नेट टू नेट 26,000 और। यहाँ पे इनकी कितनी, 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हुआ, बाई कॉल में, कहाँ पे बाई, ये बाई करके गए हैं, यानी कॉल खरीद के गए हैं, कॉल खरीद के गए हैं, तो ये मार्केट अब इसलिए ऊपर रखेंगे। लेकिन पुट साइड में इनके पास 76,000 कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से 1,77,000 है, ये क्लोज होके 1,77,000 हो गए, यानी उन्होंने फ्रेश 1,00,000 पुट की सेलिंग कर दी। ये भी एक क्या है, बुलिश पोजीशन। प्रोप यहाँ पे बुलिश, एफआईआई बुलिश, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेयरिश, किसके लिए, ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे के लिए। कहाँ पे मार्केट जाएगा आप ये सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट जो ट्यूसडे की फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो कहाँ पे होगा। चलिए अब हम यहाँ पे डेटा समरी के तौर पे देख लेते हैं। 23rd का निफ्टी का, उससे पहले आपको फिन निफ्टी 21st की एक्सपायरी है जब मार्केट ओपन होगा। निफ्टी 21,475, माफ करिएगा फिन निफ्टी, सपोर्ट रेजिस्टेंस 21,600, क्लोजिंग यहाँ पे 21,500 के पास, यानी आप जो फिन निफ्टी का देख रहे हैं 21,502 के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, कौन हमारा, फिन निफ्टी। ठीक, राइटर 54% से यहाँ पे क्या है, पुट में है 54%, ITM में थोड़े कम है लेकिन ATM एंड OTM में थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे राइटर क्या है, न्यूट्रल है दोनों साइड, दोनों साइड इनकी एक्चुअल पोजीशन बनी है। लेकिन बायर यहाँ पे आप देखें तो 76% कॉल में बैठा हुआ है, यानी बड़ा प्लेयर कोई कॉल की बाई करके जा रहा है, पूरे इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी भी। रेंज 20,950 to 22,050 तक है रेंज, इस मंथली रेंज। अब ग्रेविटी मार्केट का 22,500 से 22,700, यानी आपको जो फर्स्ट ग्रेविटी है वो मार्केट के ऊपर है 200 पॉइंट्स ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया है उससे ऊपर ग्रेविटी है। ये भी डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो आपको न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे कह दीजिए, यानी जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, वो 21,700 के आसपास निकल रहा है। वो एक्चुअल पॉइंट क्या होगा बात करेंगे हम, 21,760 के आसपास निकल के आ रहा है दोस्तों। दोस्तों ये मेरे डेटा के ऊपर है, हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, आप अपनी खुद के एनालिसिस जरूर करिएगा और आप बताइएगा कि आपके अनुसार क्या है फिर निफ्टी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए निफ्टी 22,463 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 22,638, न्यूट्रल पॉइंट 22,550, क्लोजिंग 50 पॉइंट नीचे, यानी न्यूट्रल पॉइंट ऊपर है। राइटर 60% राइटर अभी कहाँ पे, पुट में। बायर 69% कॉल में बुलिश।
21,967 से 22,788 रेंज है। अब एक और यहाँ पे हमने जो डेटा डाला था, हम ये बताए थे आपको प्रीवियस में कि मार्केट 22,480 के आसपास एक्सपायरी होगी, ये अभी भी 22,440 का बरकरार है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको नीचे आने की संभावना मैक्सिमम 22,312 का है, इसके नीचे अभी नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी 48,000 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 48,400, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे है 48,192 क्लोजिंग है। यहाँ थोड़े से राइटर हैं वो कॉल में बैठा हुआ है, यानी कॉल में थोड़ी ज़्यादा राइटिंग हुई है, बाइंग भी कॉल में हुई, लेकिन राइटर और बायर दोनों इक्वल हैं, तो राइटर को हम ज़्यादा वेटेज देंगे। स्लाइटली बियरिस 48,200, 48,100, ये ग्रेविटी एक क्लोजिंग उसी के पास दिया है, तो मैक्सिमम 48,100, 48,060 ये यहाँ तक लेवल है। चलिए मिड कैप निफ्टी अगर देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी 11,327 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 11,360, रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 61% राइटर यहाँ पे कॉल में, बायर भी 61%, राइटर का ज़्यादा वेटेज स्लाइटली बियरिस 11,350 से 11,325 के पास ग्रेविटी वहीं पे क्लोजिंग दिया है मार्केट। 11,287 का भी सपोर्ट है इसका अच्छा खासा, यानी अगर आप कंक्लूजन के तौर पर जाते हैं तो जो इंडाइसेस ट्यूसडे को एक्सपायर होना है वो यहाँ पे बुलिस है, उसके साथ निफ्टी क्या है बुलिस है, लेकिन निफ्टी आपको बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो नीचे अगर आएगा तो कहाँ तक आएगा और ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसके लेवल पे हम आप बात करेंगे। अब आ जाता हूँ मैं आपको फिन निफ्टी के डेटा में। अगर फिन निफ्टी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 21,900, सेकेंड 21,700, थर्ड 21,300, यानी ये रेंज है 21,300 से 21,700 का बीच, ये रेंज है 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर का रेंज है, तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ग्रेविटी क्या ऊपर है, इसलिए मार्केट के चांसेस क्या है ऊपर जाने के हैं, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, कहाँ तक 21,700 के आसपास तक। लाइव का डेटा 10 बजे का 10:30 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि देखिए ये इनकी अभी जो पोजीशन बनाई है वो लाइव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल क्या है अभी ऊपर की तरफ है, तो आप लाइव डेटा देख के ही पोजीशन बनाइए, खुद की एनालिसिस जरूर करिए। चलिए अब निफ्टी में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, अभी निफ्टी एकदम बिल्कुल क्या है अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास खड़ा है जो 22,530 का है, ये जैसे ब्रेक करता है 22,530 के लेवल को, फर्स्ट टारगेट 22,600, इसका एक्सटेंशन जो होगा 22,660 का, और ये हमारा डेटा पे रेजिस्टेंस भी है, क्लियर। बैंक निफ्टी में नीचे स्पेस है आपको 48,900 तक का, और ये अपने क्या है रेजिस्टेंस के पास 48,200, 48,200 के ऊपर अगर ट्यूसडे को ब्रेक करके ऊपर ओपन हो जाता है तो इसका टारगेट 48,400, फर्स्ट टारगेट 48,400, सेकेंड 48,600, लेकिन एक बार अगर करेक्शन करके नीचे आता है 48,000 के आसपास तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या 47,900 ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक निफ्टी में बाइंग की। अब आ जाते हैं हम आप देखें यहाँ पे फिन निफ्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे दिन मार्केट में क्या ये कंसोलिडेट किया है, और आज सैटरडे के दिन थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, यहाँ से अगर 21,560 के लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा इसका टारगेट 21,660 हो जाएगा, और वो एक्सटेंशन कहाँ तक 21,700 तक, 21,700, तो मैंने यहाँ पे आपको थंबनेल में भी लिखा है कि 21,760 के लेवल तक टच करना चाहिए एक बार, ये 21,700 के लेवल को जरूर टच करना चाहिए 68,700, लेकिन लाइव का डाटा फिर मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के डाटा को मैं फॉलो करूँगा तो और आपको कंफर्म करूँगा, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं लीजिए, खुद की एनालिसिस जरूर करिए। चलिए बैंक निफ्टी के साथ अगर आप यहाँ पे फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, तो अभी मैं यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के डेटा को देखता हूँ, ये आपको क्या है बिल्कुल रजिस्टेंस लेवल जो 11,336 यानी 11,350 का रजिस्टेंस,
ये ब्रेक किए बिना 11,420 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये यहाँ से जैसे 20 पॉइंट्स और निकलेगा, शार्प मोमेंटम 80 पॉइंट्स का आएगा। FII कैश में यहाँ पे बिल्कुल एक्टिविटी आज नहीं की, आज तो एक्टिव थे ही नहीं। ऐसे टोटल उनकी आप देखें तो मई मंथ में 28,000 करोड़ की कैश में सेलिंग हो रखी है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी वो अपना पोजिशन बुक कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। कहाँ पे सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं कल की वीडियो में मैं जरूर आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ देखिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बात करते हैं, यहाँ पे हम एक एक चीज़ बताते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है, आपको डेटा कैसे एनालिसिस करना है, बेसिकली ये चीज़ें कैसे वहाँ पर डेटा आपको स्टडी करना है, डेटा के ऊपर कैसे बिग प्लेयर आपको कैसे पता चलेगा कि लाइव मार्केट में कहाँ पर एक्टिव हैं, वो कौन से स्ट्राइक प्राइस के पास जाएंगे। जैसे आप अगर प्रीवियस हमारे एक्सपायरी में देखें तो मैं यहाँ पर आपको मैसेज कर दिया था कि 300 यानी आपको 21,300 के आसपास राइटिंग चल रही है, मार्केट वहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे आएगा लेकिन शार्प मोमेंटम ऊपर जाके क्लोज किया। तो ये सब कुछ यहाँ पे डेटा के ऊपर बात किया जाता है और ये सक्सेस भी है 100%। सब यहाँ पे हम बताते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है, यानी आपके एक एक चीज़ इस डेटा में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है, अगर ये बेरिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ITM OTM सब कुछ, रेजिस्टेंस हमारा न्यूट्रल पॉइंट सपोर्ट, मार्केट में IV के ऊपर क्या हो रहा है, मनी फ्लो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ सब कुछ बात किया जाता है, एक ही स्क्रीन पर सब दिखेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम रिटेल ट्रेडर इस चीज़ों को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर है, मैं फिर से बोलूँगा कि ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार पर है, यहाँ पे कोई भी आपको रिकमेंडेशंस नहीं मिलता है कि आप किसी स्टॉक्स या किसी ऑप्शंस में आप जाके बाई करिए, खुद की एनालिसिस करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे बाई करिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।